एपिसोड की शुरुआत में लॉयड, योर और आन्या तीनों मिलकर जाते हैं ईडन एकेडमी के अंदर, क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आन्या का आज रिजल्ट आने वाला है कि वो पास हुई या फिर फेल हुई। लेकिन बीच में जब वो चल रहे होते हैं ना, तभी ब्रेसलेट टूट जाता है अपनी योर का। उसके बाद वो एक काली बिल्ली को देखती है जिसने उसका रास्ता काट लिया होता है, और उसके बाद अपनी जो आन्या होती है ना, वो कुत्ते की जो टट्टी होती है ना, उसके ऊपर पैर रख देती है। मतलब एक के बाद एक अशुभ जो चीज़ें होती हैं ना, इनके साथ होती रहती है। और आन्या थोड़ी सी परेशान लगती है और बोलती है कि आज तो मैं गई, आज तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी, ऐसा ये सोचने लगती है। लेकिन उसके बाद आ जाता है इंट्रो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टॉयलेट के ऑफिस की तरफ दिखाया जाता है, जहां पे एक लड़की शक कर रही होती है कि ये बंदा जो है काम का है या फिर नहीं है। लेकिन उसका बॉस बताता है, लगता है तुमने इसके साथ कभी काम नहीं किया है, ये वेस्ट जो है ना, वेस्ट साइड में सबसे बेस्ट स्पाई है, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, अगर वो किसी काम में है तो वो काम पक्का पूरा करके ही आएगा, ऐसा वो बताता है। उसके बाद आने का रिजल्ट आता है, जहां पे आन्या फेल हो चुकी होती है, क्योंकि इनकी फैमिली ने तो तहलका ही मचा दिया था, इसलिए इनको फेल कर दिया होता है। और आन्या रोने लगती है, तभी मिस्टर हैंडरसन यानी कि एलिगेंटो बुड्ढा, वो उनको बुलाता है और बताता है कि इनका नाम जो है ना वेटिंग लिस्ट के अंदर है, और बताता है कि एक वेटिंग लिस्ट होता है जिसमें हम कुछ बच्चों का नाम लिख के रखते हैं, अगर कोई बंदा अगर रिजल्ट मतलब अगर नहीं पास होना चाहता, मतलब कोई ज्वाइन ही नहीं होना चाहता इस कॉलेज के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर, तब वो जो वेटिंग लिस्ट वाले बंदे हैं उनको बुला लेते हैं और उनको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तब ये बताते हैं और इनका नाम सबसे पहला होता है, आन्या फोर्जर का नाम सबसे ऊपर होता है। तब अपना लॉयड पूछता है कि हमारा नाम सबसे ऊपर कैसे है, क्योंकि हमने तो कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा दिया था। तब वो बताता है कि तुमने एक मच्छर को मारा था, और तुम्हें पता है मच्छर सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंसानों की जान मच्छर की वजह से ही जाती है, और इसीलिए हमने तुमको सबसे ऊपर रखा। यानी कि एलिगेंटो बुड्ढा जो है यहाँ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है लॉयड फैमिली, वो इसलिए कर रहा है, उसको मच्छर से कोई मतलब है ही नहीं। और उसके बाद वो बताता है कि मैंने जो है ना मिस्टर स्वान के मुंह पे एक पंच मारा, तो शायद इसलिए अब मैं टीचिंग के अंदर रहूं या फिर ना रहूं कुछ भरोसा नहीं है, तो तुम अपना देख लेना, मैं अपना देख लूंगा, ऐसा बताता है एलिगेंटो बुड्ढा। लेकिन तभी योर के मन में यह आ रहा होता है कि अगर किसी ने ज्वाइन होने से इनकार ही नहीं किया, मतलब अगर सारे बंदे ज्वाइन हो गए तो फिर आन्या कैसे ज्वाइन होगी, तो ये सोचती है क्यों ना मैं किसी के पेरेंट को मार दूं। सोच रहे हो, उसकी सोच देख रहे हो, अपनी बच्ची को ज्वाइन कराने के लिए किसी को मारने तक जा सकती है ये लड़की, असासीन है ना यार, दिमाग में सिर्फ मरने और मारने को छोड़ के इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, बड़ी ही अजीब है अपनी योर। फिर योर अचानक से रुक जाती है और बोलती है ये मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी इनोसेंट की जान नहीं ले सकती, और अपना मुंडी हिलाती है। और उसके बाद हमें आगे का सीन देखने को मिलता है, और वो सीन सीधा 3 दिन बाद के होता है, जहाँ पे आन्या नाच नाच के बोल रही थी आन्या पास हो जाएगी, आन्या पास हो जाएगी, क्योंकि आन्या को ऐसा लगता है कि अगर वो नाच नाच के बोलेगी तो वो पास हो जाएगी। छोटी सी बच्ची है ना, कितना दिमाग होगा उसको, ऐसा ही लगता है। और तभी एक फ़ोन कॉल आता है, जिसको उठाने के लिए अपना जो लॉयड भाई साहब है, ये तो फ्लैश की रफ्तार से दौड़ता है, फ़ोन उठाता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, उसके बाद अपने जेब से कुछ निकालता है और उसको फोड़ता है, जो फोड़ते हैं ना हम जो हैप्पी बर्थडे फोड़ते हैं ना, वो फोड़ देता है, जिसका मतलब ये है कि आन्या पास हो गई है और आन्या को एडमिशन मिल गया है। लॉयड आन्या को अपनी गोदी में उठाता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, और योर से भी उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि योर ने भी तो बहुत कुछ काम किया है ना, और अपनी योर भी आन्या की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। उसके बाद फ्रैंकी एक बियर की बोतल लेके आता है, या फिर शैंपेन की बोतल है, कोई तो बोतल है, लेके आता है और सेलिब्रेशन करने के लिए बोलता है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अजय लॉयड का बेस्ट फ्रेंड, और वो सब भयंकर पार्टी करने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, और योर ने तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिया होता है, इसलिए उसको चढ़ गई होती है, उसके बातों से पता लगता है, जैसे बेबड़े बात करते हैं ना वैसे ही बात कर रही होती है अपनी योर, और ये बीच में ना अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसको तो चढ़ गई है ना, उसको समझ में आएगा ही नहीं, तो आसानी से बातें करते रहते हैं। फ्रैंकी आने से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपने बाप से आज जो मांगोगी वो खुशी खुशी तुम्हें दे देगा। लॉयड नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद भी फ्रैंकी लॉयड को मना लेता है, और आन्या बोलती है कि मुझे एक कैसल चाहिए जहाँ की मैं क्वीन बनना चाहती हूँ, और उसके बाद वो ना बोलता है, लॉयड तो ना बोलता है, लेकिन फ्रैंकी मना लेता है, और ना चाहते हुए भी उसको एक कैसल रेंट पे लेना पड़ता है अपने लॉयड भाई साहब को। ऑब्वियसली वो पैसे देके नहीं लेगा, क्योंकि एजेंसी है ना, वो तो देगी पैसे। उसके बाद लॉयड अपनी एजेंसी को कॉल करता है, यानी कि जो सिग्नल भेजता है ना, सिग्नल भेजता है, उसके जरिए वो बताता है कि उनको ईडन अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका है, और दूसरी बात बताता है कि हमको अभी चाहिए एक कैसल। और जैसे ही एजेंसी के लोग सुनते हैं तो उनको टॉयलेट के ऊपर भरोसा आता है, वो बोलता है ठीक है हम तुमको दे देंगे एक कैसल, और वो एक कैसल भी दे देते हैं, एक चॉपर भी भेज देते हैं उनके लिए, ताकि वो कैसल तक उड़ के जा सके। उसके बाद फ्रैंकी, आन्या, लॉयड और योर चारों मिल के जाते हैं सीधा चॉपर की तरफ, चॉपर के अंदर बैठते हैं, अपना लॉयड चॉपर चलाता है, और हमें देखने को मिलता है कैसल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है ऊपर से, और अंदर से भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है।
कैसल के अंदर आनिया और फ्रांकी खेलने लगते हैं, लेकिन आनिया तभी आके बोलती है, मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये कैसा कैसल है जिसके अंदर ना सर्वेंट है ना ही कोई एनिमी है, मेरे को वो जैसा होता ना स्पाई के शो वाला, उस शो वाला ट्विस्ट चाहिए, उस शो की तरह मेरे को कोई किडनैप करेगा तो माइक कमर को बचाएगा, इस तरह की बातें करती है। और लॉयड तब बोलता है कि ठीक है और अपनी एजेंसी को फोन करता है और बोलता है जितने भी एजेंट्स हैं ना सब इस कैसल के अंदर भेज दो वरना तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। और वो सब भी वैसा ही करते हैं, सारे एजेंट को भेजते हैं, कुछ दौड़ दौड़ के जाते हैं, कुछ पानी के जरिए आते हैं, कुछ मतलब उड़ के आते हैं, और कुछ तो पैराशूट से आते हैं। तो सारे जितने सारे एजेंट्स हैं ना सबके सब इसी कैसल के अंदर आते हैं धूमधाम से, मतलब जैसे पार्टी मनाते हैं ना वैसे ही सीन हो जाता है यहाँ पे। सारे एजेंट जब लॉयड को देखते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज हमारा बहुत दिन अच्छा है कि हम लॉयड को देख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वाला स्पाई होता है। और तभी अपना लॉयड होता है वो स्टेज के अंदर दो तरह के मैसेज देता है, एक तो बातें करके बताता है कि तुम्हें आए हो यहाँ पे तो हमें एक्टिंग करेंगे ऐसा वगैरह वगैरह बताता है, और दूसरा अपने मोर्स कोड के अंदर बताता है कि तुम जितने हो ना तुम मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं टॉयलेट हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं एक मिशन के अंदर हूँ और तुम सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी, ऐसा सब कुछ मतलब आसानी से समझा देता है, मोर्स कोड से समझा देता है और क्या क्या एक्टिंग करना है वो सब फ्रैंकी बता देता है। और फ्रैंकी बताता है कि वो जो होने वाला ना वो रहने वाला मेन विलन, वो आनिया को किडनैप करेगा, ये जो बाकी के एजेंट है ना वो उसको हेल्प करेंगे अपने लॉयड को रोकने के लिए, और लॉयड होगा अपना लॉयडमैन। और आनिया बताती है कि मतलब ऐसा जितना कुछ सीन होगा ना सब फ्रैंकी एक्सप्लेन कर देता है, और बाकी सब चलते हैं चलो सीधा करते हैं हम सब ड्रामा, और ड्रामा के लिए निकल जाते हैं सबके सब। उसके बाद फ्रैंकी एक बैलून के अंदर बैठ जाता है और लॉयड को भी एक ट्रेन जैसा एक होता है ना उसके ऊपर बिठा देता है और बोलता है कि मैं तुमसे तीन सवाल पूछूंगा, अगर तुम तीन में से दो सवाल का जवाब ठीक देते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम गलत देते हो तो तुम्हें जो बॉन्डमैन होता है ना जो कि मतलब स्पाई वाला शो होता है उसके अंदर एक बॉन्डमैन होता है उसकी तरह कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, जिसके जवाब में अपना लॉयड बोलता है ठीक है पूछ लो। और पहला सवाल पूछता है कि आने को बॉन्डमैन के अंदर सबसे अच्छा क्या लगता है, और अपना जो लॉयड होता है वो बोलता है फेस, जो कि बहुत ज़्यादा गलत जवाब होता है, जिसका सही जवाब ये होता है कि आनिया को जो है ना उसका जो साइलेंट वाला गन होता है ना साइलेंसर वाला गन, वो वाला गन ज़्यादा पसंद होता है। तो पहला जवाब हो गया गलत। फिर दूसरे जवाब में पूछता है कि आनिया को खाने में क्या पसंद है, और ऑब्वियसली सबको पता है और लॉयड को ये पता होता है कि उसको पीनट बटर पसंद है, और वो सही जवाब देता है, यानी कि अभी तक स्कोर लेवल हो चुके हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछता है कि आनिया को अभी क्या चाहिए, और जिसका जवाब भी अपना लॉयड ठीक देता है और बोलता है कि उसको अभी चाहिए बॉन्डमैन के मर्चेंडाइज, जो कि एकदम सही होता है, लेकिन आनिया को उसके पापा को देखना आता है उसके रूप में मतलब बॉन्डमैन के रूप में, तो बोलता है कि नहीं मेरे को अभी वो नहीं चाहिए, मुझे अभी पानी चाहिए था क्योंकि मुझे प्यास लगी है। उसके बाद लॉयड बॉन्डमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है और जाता है सीधा एक टनल की तरफ और वहाँ पे छलांग लगाता है, और तभी हम देखते हैं कि जितने भी सारे स्पाइस होते हैं ना वो सब अपना वेश बदल रहे होते हैं ताकि वो ना मतलब एक कैरेक्टर जैसा लगे इस शो के अंदर, और उस तरह से ही करते हैं। और हम देखते हैं कि अपना लॉयड आता है एक बैलून की तरफ जहाँ पे मतलब वो जो जितने सारे स्पाई होते हैं इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉयड किसी ना किसी तरह बचते बचाते हुए बैलून से बचते हुए उन सबकी पुंगी बजा के निकल जाता है। बहुत सारे स्पाइस कोशिश करते हैं कि उसको रोक ले, लेकिन इतना आसान होता नहीं, कुछ तो बम भी फेंकते हैं मतलब गैस वाले बम भी फेंकते हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं है क्योंकि बेस्ट स्पाई है ना ऐसे ही तो बना नहीं है। और यहाँ से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा माहिर है अपने काम के अंदर, और बाकी जितने सारे स्पाइस होते हैं ना वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि एक बंदा हम सबको हरा रहा है। उसके बाद लॉयड एक और जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ गन लेके स्पाइस बैठे होते हैं, ऑब्वियसली डुप्लीकेट वाले गन्स होते हैं जिसके अंदर बैलून वगैरह जो होते हैं ना बॉल जैसा एक होता है वो फेंक के मार देते हैं, लेकिन ये किसी तरह से बच जाता है और सबको एक एक करके चुन चुन के मारता है, और जिससे पता लगता है कि इसका जो शूटिंग स्किल है वो भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट स्पाई है ऐसा ही तो हो ही नहीं सकता, तो इसका शूटिंग स्किल भी काफ़ी अच्छा है जिसको हमने यहाँ पे देखा, और एक्शन सीन्स काफ़ी मज़ेदार है इसके। उसके बाद लॉयड एक चेन का इस्तेमाल करके हीरो वाली एंट्री मारता है, बीच में बम भी फूट रहते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट बम भी फूटते हैं। उसके बाद वो बचते बचाते हुए आखिरी जगह पे पहुंचता है जहां पे इसको फाइट करना आता है फ्रैंकी के साथ, वहां पे एकदम धासु एंट्री मारता है और सीधा फ्रैंकी से बोलता है प्रिंसेस को छोड़ दे, एक्चुअली उसको ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन बोलता है कि अब भाई प्रिंसेस को छोड़ दो, इस तरह से कुछ बोलता है, मतलब काफ़ी नम्र आवाज से बोलता है क्योंकि उसको शर्म आ रही होती है क्योंकि इतने सारे स्पाइस हैं और उसके सामने इसको एक्टिंग करनी पड़ रही है। और वहाँ पे फ्रैंकी भी हंस रहा होता है कि फूल हो तुम, तुम्हें इसको अगर चाहिए ना तो तुम्हें मेरे एक प्यादे से लड़ना होगा, और वो भेजता है सीधा योर को। और जैसा कि सबको पता है कि योर एक असासिन है और वो किसी को भी आसानी से मार सकती है, और फिलहाल वो नशे में, उसको पता ही नहीं कि ये सब एक्टिंग चल रहा है, अपना लॉयड भी समझाने की कोशिश करता है हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके मुंह पे एक किक मार के उसका मुंह ही फोड़ देती है, मतलब थोड़ा सा दाग लग जाते हैं। उसके बाद पंचेस लाते सब कुछ मारते देती है, लॉयड समझाने की कोशिश करता है कि हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन योर का नशा हो गया है बहुत ज़्यादा, वो तो मार ही जाती है, इतना मारती है कि इसने जो हाथ में ग्लव्स पहना होता ना वो ग्लव्स तक
फट जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है जब वो एक राउंड किक मारने की कोशिश करती है तब इसका पैर जो फिसल जाता है क्योंकि इसका जो हील होता है टूट जाता है, और जैसे हील टूटता है ये गिर जाती है और गिरने के बाद सीधा सो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा नशे कर रखे होते हैं ना इसने, ये डायरेक्ट सो जाती है वहां पे। उसके बाद फ्रांकी बहुत जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मुझे मेरे जैसे इतने बड़े विलेन से लड़ना होगा, लेकिन अपना भाई सिर्फ एक थप्पड़ मारता है और उसको वो भी सुला देता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर चला जाता है, फिर लाइट बंद हो जाती है और होता है भाई बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको लाइटिंग वाला शो, जो पटाखे फोड़ते हैं ना वैसा शो होता है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा होता है, जिसको देख के आन्या खुश भी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या और अपना जो लॉयड है वो बैठ के बातें कर रहे थे, उसको बोल रहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह, और फिर सारे के सारे स्पाइस पे निकल जाते हैं, जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। वो कुछ पैराशूट लेके भागते हैं, पैराशूट तो नहीं ले भागेंगे, एरोप्लेन से कुछ भागते हैं, कुछ पानी के जरिए भागते हैं और कुछ चलते हुए भागते हैं। उसके बाद हमको टॉयलेट का जो ऑफिस होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब एडमायर कर रहे थे कि टॉयलेट ने एक अच्छा काम किया। तो आज की इस वीडियो में जो कुछ भी था बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके बता देना। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को मतलब इस वीडियो और चैनल दोनों को शेयर कर देना और बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। अगर इतना सब कुछ कर रहे हो तो खुद भी सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है ना उसको दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए और जरूर से बजनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जोर से बजनी, जैसा किक मारा था ना अपने योर ने लॉयड को वैसा ही जोर से बज जाना चाहिए और आवाज़ आनी चाहिए टन करके।